उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए कल मतदान हुआ। इस चरण में अमेठी समेत 11 जिलों की 51 सीटों पर शाम 5 बजे तक 57.36% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मऊ में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे ही स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बलिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही अध्यादेश लाकर प्रदेश के बूचड़खानों को तुरंत रोक दिया जाएगा। उधर भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने बनारस में प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश को केवल उत्तम नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बनाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देवरिया में चुनावी रैली को संबोधित किया तो वहीं मायावती ने कुशीनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भरोसा जताया कि राज्य में अगली सरकार बसपा की ही बनेगी। ब्रिटेन के 5 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज निवेशकों की 2 बैठक में भाग लेंगे। अरुण जेटली पहले जेपी मॉर्गन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे, बाद में ब्रिटिश उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इससे पहले कल अरुण जेटली ने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के 100 से ज्यादा कारोबारियों के साथ निवेश और विकास को लेकर चर्चा की और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के उद्घाटन समारोह में भी शिरकत की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आजादी के नारे लगाने को कैसे कोई समर्थन कर सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में जाकर राजनीति की जा रही है और छात्रों को भड़काया जा रहा है, ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में देर रात भीषण आग लग गई। ये आग एक बिल्डिंग में लगी है। आग की भयावहता को देखते हुए 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए लगाया गया है। विदेश सचिव एस जयशंकर आज से 3 मार्च तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे अमेरिकी प्रशासन से H-1B वीजा पर पाबंदी को लेकर भारत की चिंता और भारतीयों की सुरक्षा जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, हाइड्रोकार्बन और अन्य मुद्दों पर बातचीत की, साथ ही जलीकट्टू मामले में केंद्र से मिले सहयोग को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। सेना की भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने रविवार को इस मामले का खुलासा किया था। पुणे जोन के तहत 6 जगहों की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सेना की दक्षिण कमान ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नोएडा टेंडर घोटाले के मुख्य आरोपी नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने कल लखनऊ कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने यादव सिंह को दोबारा 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यादव सिंह से 28 फरवरी से 2 मार्च तक पूछताछ करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नर्सरी दाखिला में नजदीकी के आधार पर प्रवेश देने संबंधी नियम पर रोक लगाने वाले आदेश के खिलाफ आप सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। कंसास में मारे गए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला का पार्थिव शरीर कल हैदराबाद लाया गया। गुरुवार को श्रीनिवास की कंसास शहर के एक भीड़भाड़ वाले बार में एक अमेरिकी व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने नेशनल रोमिंग खत्म कर दी है। 1 अप्रैल से रोमिंग में कॉल्स, एसएमएस और डाटा के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए कंपनी ने यह कदम उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2018 के अपने प्रस्तावित बजट में रक्षा खर्च में $54 अरब की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, जो कुल रक्षा खर्च का लगभग 9% है। ट्रंप की बजट योजना में अन्य क्षेत्रों में बजट कटौती भी प्रस्तावित है। इसमें विदेशी सहायता और पर्यावरण पर होने वाला खर्च भी शामिल है। ट्रंप के मुताबिक बजट का फोकस सेना, सुरक्षा और आर्थिक विकास पर रहेगा। दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिल गया है। जीतू राय और हिना सिद्धू ने 10 मीटर पिस्टल के मिश्रित स्पर्धा में भारत को ये पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में निशानेबाज अंकुर मित्तल ने रजत पदक अपने नाम किया।